गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेंजेस लॉ को। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी कॉइल में जो करंट होती है उसकी पोलरिटी निकालते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन में क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन में कोई एक कॉइल होती है और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के बाद उसी कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? एक पेयर ऑफ कॉइल होती है, एक में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरे में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन, तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। व्हेनेवर फ्लक्स इन अ कॉइल देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज़ लॉ अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन अ कॉइल इटसेल्फ। इसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने के बाद इसी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस अकॉर्डिंग टू फैराडे। तो यही जो प्रोसेस होती है ना, इसी को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कॉमा, दिस प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस बोल सकते हैं या इसको हम फिनोमिनन भी बोल सकते हैं। फिनोमिनन भी हम इसको नाम दे सकते हैं। फिनोमिनन, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब होता है खुद से। ठीक है, तो खुद से उसकी कॉइल में, खुद से जो कॉइल होगी उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये ठीक। अब इसके बाद हम फॉर्मूला इसका डिराइव करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आने वाला है? इसमें जो टर्म हम यहां पर पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करेंगे हम फ्लक्स को। फ्लक्स यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फाइव डी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जनरली फाइव से बिलोंग करें। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर। सीधी सी बात है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के बाद ना मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर ऐसा आया। ठीक है, अब हम यहां से प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं। तो प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है यहां पर, फॉर अ कॉइल, फॉर अ सिंगल कॉइल। ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एल, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एल इंटू आई, ये होता है। ठीक है, और कैपिटल एल का यहां पर नाम क्या है? कैपिटल एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, या हम इसको नाम दे सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको नाम देंगे। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया कैपिटल एल। अब अगर हम इसमें चेंज करें फ्लक्स में, तो क्या होगा? व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस विद द टाइम, फ्लक्स चेंज होगा यहां पर, तब क्या होगा? ये हो जाएगा डी फाइव बी अपॉन डी डी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी डी।
देखो L चेंज नहीं होने वाला यहाँ पर, क्योंकि L कांस्टेंट है, सिर्फ करंट चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो इतना गया। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि डी फाइव बी अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, माइनस E के बराबर होता है। ठीक है, E की जगह हम माइनस E लेते हैं। माइनस क्यों लेते हैं, ये बताया था आपको, ये लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी फाइव बी अपॉन डी टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हो गई ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और ई क्यों आया, ई ये फैराडेज लॉ से आया। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फैराडेज लॉ से आया, ई इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आता है। अगर हम कैपिटल एल की एसआई यूनिट निकालते, कैपिटल एल की एसआई यूनिट क्या होने वाली, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस नाम देते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होने वाली है, ये मैं लिखता हूं यहां पर। तो इसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, यहां से अगर हम एल की वैल्यू देखें ना इक्वेशन नंबर वन से, तो ये हो जाएगी फाइव बी अपॉन आई के बराबर। ठीक है, इतना आ गया। अब इसकी एसआई यूनिट निकालनी है हमने, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होने वाली है बताएंगे, इसकी एसआई यूनिट होने वाली है, फाइव बी की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर, वेबर होती है फाइव बी की एसआई यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, ये होती है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, इसको ना हम, इसको हम हेनरी भी बोलते हैं, हेनरी, ठीक है, हेनरी भी बोलते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, वेबर पर एम्पियर या हेनरी। ठीक है, सेकेंड आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन फाइव बी, फाइव बी की डायमेंशन कैसे आएगी, फाइव बी का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन इंटू एरिया की डायमेंशन, वो फाइव बी की डायमेंशन आ जाएगी, डिवाइड बाई करंट की डायमेंशन आप करोगे तो यहां से इसकी डायमेंशन भी निकल जाएगी। तो ये आप खुद से करो। ठीक है, तो इतना क्या। अब इसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होने वाला है, म्यूचुअल इंडक्शन में हम कॉइल का पेयर लेते हैं, जैसे दो कॉइल हमने ली, एक कॉइल में, एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और दूसरे कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके लिए फॉर्मूला यहां पर डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यह फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल कॉमा व्हेनेवर व्हेनेवर फ्लक्स changes in a coil, then according to Faraday's law, electromotive force induced in another coil. This process or phenomenon. इसको process बोल लो आप या phenomenon को, ठीक है, is called mutual induction. ठीक है, देखो वही सिमिलर कर दिया फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल के लिए जो हम सेल्फ इंडक्शन में पढ़ रहे थे। ठीक है, फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल यहां पर लिंक भी रखा है कि व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस इन अ कॉइल देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल या अनदर कॉइल। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो, डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके लिए फॉर्मूला डायराइव करते हैं, कैसा होगा बताओ, फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है,
अब प्रोपोर्शनल को हमने हटाया तो ये क्या हो जाएगा, फाइव बी इज इक्वल। अच्छा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, वहां पर हमने कोफिशियंट क्या लिया था, इसके बाद कोफिशियंट का मतलब जो कॉन्स्टेंट था वो क्या लिया था, कैपिटल एल। यहाँ पर हम कैपिटल एम लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम इंटू वाई। अब कैपिटल एम को क्या बोला जाता है, यहाँ पर इसका हम नाम लिख देते हैं, एम इज इक्वल टू नोन एज कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, या इन जनरल आप बोल सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं। अब हम इसमें चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज। अब देखो थोड़ा सा जरा ये ध्यान रखना कि अगर जैसे हमने 5b नाम दिया ना, तो 5b इज इक्वल टू क्या हुआ, m इंटू i, तो हम चेंज करेंगे अब इसमें। चेंज अब क्या होगा, एक में चेंज होगा, एक में फ्लक्स चेंज होगा और दूसरे में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले में फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें हमने क्या किया, फाइव इज इक्वल टू ये लिख देते हैं हम सीधे, दूसरे वाले में हम करंट ले लेते हैं जैसे एम आई टू, ठीक है, तो फाइव बी टू हम ले लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हम चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, डी फाइव बी टू अपॉन डी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम डी आई टू अपॉन डी डी, इतना आ गया, इतना ही आ चुका है हमारे पास। दूसरे में फ्लक्स चेंज हुआ ना, यानी कि करंट भी दूसरे में चेंज होगी, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू फैराडे कितना होता है, E, E1 हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, E1 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई टू अपॉन डी टी, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह। अब यहां से अगर हम वैसे ही कैपिटल एम की एसआई यूनिट निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, डी फाइव बी टू अपॉन आई टू। सीधा सा डिफरेंस इसमें ये है कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, खुद की कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल के लिए, सेकंड वाले कॉइल में जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो फर्स्ट वाले कॉइल में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है, थैंक यू।